बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज के इस वीडियो में F2 सिस्टम के जो माइक्रोस्टेट है उसको पिजन होल डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट करूँगी। सबसे पहले F2 सिस्टम का ग्राउंड स्टेट के लिए जो एटॉमिक टर्म सिंबल है वो डिस्कस करूँगी। ये एप सबशेल है, एप सबशेल में 7 ऑर्बिटल है, इसके 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक टर्म सिंबल को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल L जो जे है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल L है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। कैपिटल L पूरे एटम के स्टेट को डिफाइन करता है। कैपिटल L बराबर है स्मॉल L1 + L2 + L3। ये स्मॉल L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये ऑर्बिटल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब इससे जो रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम है उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और इसको हमने स्मॉल L से रिप्रेजेंट किया है। L अगर 0 होगा तो इसको हम कैपिटल S के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, अगर 1 होगा तो P के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, अगर 2 होगा तो कैपिटल D के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, अगर 3 होगा तो कैपिटल F के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। ये हमारे पास F सबशेल है, इसका जो MN वैल्यू है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये इंडिकेट करता है ऑर्बिटल को। फर्स्ट ऑर्बिटल का +3 वैल्यू है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका +3 हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन का +2, इसको एड अप करें तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर L5 होगा तो इसको हम कौन से लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? SPDF है, F3 के लिए है, G4 के लिए है, H5 के लिए है। यहाँ पर लेटर H होगा। S+1 एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जे टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। L+S, L-S, हमारे पास L5 है, 5+1, 5-1, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, क्योंकि ऑर्बिटल हाफ फील्ड से लेस है तो इसलिए यहाँ पर हम जे की वैल्यू 4 कंसाइडर करेंगे। जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको कंसाइडर करेंगे। जे हमारे पास 4 है और इसका टर्म सिंबल है 3H4। जे को हम यहाँ पर लिखते हैं, जे की वैल्यू 4 है और 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एफ सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्पिन को, इसके जो स्पिन है हाफ प्लस हाफ, इसको एड अप करें तो 1 आ जाएगा। 2 1s are 2 + 1 = 3, 3H4 आ जाएगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जितने ऑर्बिटल है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बराबर हो जाएगा 14 साइन ऑफ पिक्टोरियल ओवर 2 पिक्टोरियल, 14 - 2 पिक्टोरियल = 91 माइक्रोस्टेट। साइन ऑफ पिक्टोरियल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जिस डिजिट के बाद ये साइन ऑफ पिक्टोरियल हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे जितने भी नंबर हैं उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, इससे जो वैल्यू आ जाएगा वो 10 पिक्टोरियल के बराबर होगा। यहाँ पर 14 पिक्टोरियल ओवर 2 पिक्टोरियल 14 - 2 पिक्टोरियल, 14 - 2 से 12 आ जाएगा, 12 पिक्टोरियल,
फिल पिक्टोरियल को यहाँ पर जितने नंबर हैं उसके साथ कैंसिल करें, बाकी रह गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इससे जो वैल्यू आ जाए उसको 2 पर डिवाइड करें तो इससे आप लोगों के पास 91 आ जाएगा। अब ये एक्साइटेड स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पिजन होल डायग्राम के जरिए से। रिमेंबर ये जो ऊपर वैल्यू है +1 ml का, +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3, ये ऑर्बिटल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ml वैल्यू को। एब्सॉर्प्शन में 7 ऑर्बिटल है, ये इसका वैल्यू है। अब जिस वैल्यू के नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन का होगा। हमारे पास कैपिटल एम एल हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, +3 +2, इस इलेक्ट्रॉन का +5 आ गया और स्पिन इसका होगा हाफ। फर्स्ट अरेंजमेंट में आप लोगों ने पैरेलल स्पिन लिख लिया, पैरेलल स्पिन लेना है। किस तरह, जितने भी अरेंज इलेक्ट्रॉन लेने हैं उसका हेड ऊपर होगा, क्लॉकवाइज होगा, इसका हेड ऊपर होगा। पहले माइक्रोस्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन ले ले हेड ऊपर, फिर सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थर्ड कॉलम में, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोर्थ कॉलम में इलेक्ट्रॉन रख दे। इस तरह करें कि डुप्लीकेशन ना हो, एक माइक्रोस्टेट दूसरे माइक्रोस्टेट की तरह सेम ना आ जाए। सिर्फ डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। रिमेंबर इस माइक्रोस्टेट का एनर्जी डिफरेंट होगा इस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। माइक्रोस्टेट हम किस चीज़ को कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया और इस कॉलम में इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर इसी तरह जब सारे फिल हो जाए तो फिर +2 के नीचे आ जाए ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, फिर इसको इसी कॉलम में रख के और यहाँ पर एक कॉलम छोड़ दे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रख के, फिर यह थर्ड स्टेट में यहाँ पर छोड़ दे, इसी में आ जाए, इसी में, यहाँ पर। इसी तरह हमारे पास माइक्रोस्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका होगा 3। अब सेकंड अरेंजमेंट में आ जाए, यहाँ पर +2 +1 में आ गया ना, अब 0 से स्टार्ट कर ले। +1 में एक इलेक्ट्रॉन, 0 में, +1 को छोड़ दे, इसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करें नेक्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट कॉलम में, फिर 0 में इलेक्ट्रॉन को रख दे और -1 में एक इलेक्ट्रॉन को रख दे। यहाँ पर फिर 0 में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम को, और इसी तरह इस सारे को फिल कर ले। यहाँ पर कितने माइक्रोस्टेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिमेंबर ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है सेकंड अरेंजमेंट है, अब इसमें सेम होगा लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की हेड नीचे होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो करेगा। इसके लिए, इन दोनों अरेंजमेंट के लिए हम पहले एक्साइटेड स्टेट डिटरमाइन करते हैं। जो ग्राउंड स्टेट में हमेशा वन एटॉमिक टर्म सिंबल होता है, एक्साइटेड स्टेट में एक से ज़्यादा होता है। और आप लोगों ने इसको किस तरह सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने इस तरह सेलेक्ट करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है +-5, फिर +-4, अगर 0 तक कंसेक्यूटिव नंबर देता है 5 4 3 2 1 0, तो आप लोगों ने फर्स्ट जो नंबर है उसको लेना है 5 5, के लिए टर्म सिंबल H है। इसी तरह +-3, अगर आप इस लोग इसमें देख ले तो +4 नहीं है अगेन, या -4 है लेकिन +4 नहीं है,
तो इसमें आप लोगों ने क्या करने, प्लस माइनस 3 से स्टार्ट लेना है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, 0, 3 के लिए एफ सिंबल है, इसी तरह प्लस माइनस 1, 0, तो टर्म पी विल बी कंसाइडर, 3 मल्टीप्लिसिटी है, जे वैल्यू को हम एक्साइटेड स्टेट में कंसाइडर नहीं करते, तो इसका एटॉमिक टर्म सिंबल है 3H3F3P। इसी में हेड नीचे होगा, ये बस टू अरेंजमेंट की तरह है लेकिन हेड नीचे है, इसके लिए भी 3F3P एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक टर्म सिंबल होगा। अब ये ले लें, 41 माइक्रोस्टेट ऊपर हो गए, अब यहाँ पर पेयर्ड से स्टार्ट करें, यहाँ पर इस माइक्रोस्टेट में पेयर्ड पेयर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन को इस कॉलम में छोड़ दें और दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करें, इसी कॉलम में इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा नेक्स्ट कॉलम को, यहाँ तक आ जाए, फिर दूसरे कॉलम में पेयर्ड से स्टार्ट करें, इसी में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करें। इसी तरह हमारे पास ये कितने माइक्रोस्टेट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 प्लस 41, 91 माइक्रोस्टेट आप लोगों ने बनाने हैं। यहाँ पर प्लस 1 से स्टार्ट करें, ये टेबल थोड़ा सा वो स्लाइड की साइज थोड़ा सा स्मॉल है, इसलिए मैं पूरा टेबल को रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ पर मैं डिफरेंट स्ट्रिप्स में आप लोग को पेश कर रहा हूँ, आप लोगों ने एक सिंगल टेबल बनाना है और इससे इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 से स्टार्ट करें, पेयर्ड ये एक को इस कॉलम में छोड़ दें और दूसरे को शिफ्ट करें नेक्स्ट कॉलम में, फिर जीरो में पेयर्ड आ जाएगा, एक को यहाँ पर छोड़ दें और दूसरे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें, फिर पेयर्ड यहाँ से आखिर में पेयर्ड आ जाएगा। अब इसी अरेंजमेंट को लेना है लेकिन इसमें आप लोगों ने जो पेयर्ड माइक्रोस्टेट है उसको नहीं लेना, और जिस एरो का हेड ऊपर होगा उसको नीचे करना है और जिसका नीचे होगा उसको ऊपर करना है। इसमें टर्म सिंबल 1I, 1G, 1D, 1S, 3, 1S होगा और 3F3P जो फर्स्ट टू अरेंजमेंट था उसमें एक्साइटेड स्टेट के लिए एटॉमिक टर्म सिंबल था। इसमें स्पिन 0 है टू 0 और 0 प्लस 1, तो इससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा। ये IGDS इस अरेंजमेंट के लिए एक्साइटेड स्टेट में एटॉमिक टर्म सिंबल है और FP फर्स्ट टू अरेंजमेंट में है। मैंने आप लोग को क्या कहा कि इस अरेंजमेंट में ये जो लास्ट टू अरेंजमेंट है इसमें पेयर्ड माइक्रोस्टेट को आप लोगों ने छोड़ना है और ये लेना है, जिसका हेड ऊपर होगा उसको हेड आप लोगों ने नीचे करना है, जिसका हेड नीचे है उसको ऊपर करना है, ये जो लास्ट टू अरेंजमेंट है इसको इस तरह करना है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में F2 सिस्टम के लिए 1G, 1D, 1S, 3F, 3FP यूज्ड होता है, ओके, दुआओं में याद रखें इसको सही तरह समझे। ये जो लेफ्ट साइड पे वर्टिकल कॉलम है ये कैपिटल M को रिप्रेजेंट करता है, इसी वैल्यू से हम एटॉमिक टर्म सिंबल को डिटरमाइन करते हैं एक्साइटेड स्टेट में पिजन होल डायग्राम के जरिए से, और इसी से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेशन ना हो, कोई माइक्रोस्टेट दूसरे माइक्रोस्टेट की तरह सेम ना आ जाए, ओके। अल्लाह हाफिज़, दुआ मेरा याद रखिए।